आज हम आए हैं चेंबूर कैंप में, जो सिंधी कैंप के नाम से भी बहुत फेमस है। और यहाँ पे सिंधी खाना इतना बढ़िया मिलता है, बहुत सारी वैरायटी एक साथ मिलती है, बहुत सारे जॉइंट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको ऑथेंटिक सिंधी क्यूजीन की डिशेस मिल जाएंगी। तो इसी तरह एक जगह पे हम लोग आज आए हैं जिसका नाम है विग रिफ्रेशमेंट्स। तो दिस प्लेस इज आइकॉनिक। ये 1951 में एस्टैब्लिश हुई थी, बिल्कुल पार्टीशन के कुछ ईयर्स के बाद ही, और तब से ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर है सिंधी कैंप में अपने दाल पकवान के लिए एंड अदर सिंधी डिशेस टू। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इनके पास, तवा पुलाव है एंड छोले भटूरे, और इनकी लस्सी तो बहुत ही अमेजिंग है, कुछ स्नैक के आइटम्स भी है। तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती है, टेस्ट कैसा है। हम लोग ने दाल पकवान खाया, और क्या खाया? पेटीज खाया, दाल पकवान पेटीज खाया, हम लोग ने लस्सी पिया, छाछ पिया। नहीं, हम लोग तो यहाँ पर बचपन से ही आ रहे हैं, और अभी हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो वी जस्ट केम टू हैंग आउट अगेन। Yes, reunion. She came from Australia. उससे मिलने आए, गेट टुगेदर। शादी के बाद सब अलग लोकेशन के बाद यहाँ आवा चले, तो हम यहाँ पर आके ये सब चीज़ें करते रहते हैं। दाल पकवान, सबका फेवरेट दाल पकवान। थैंक यू। तो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस, पॉपुलर, बेस्ट सेलिंग चीज़ जो है वो है दाल पकवान, जिसे मैंने काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे सुना, और वो ही सुन के मैं ख़ास तौर पे विग रिफ्रेशमेंट्स में आई थी। तो ये पकवान जो इन्होंने दिया है ये काफ़ी मोटा है, काफ़ी थिक है, और इसके अंदर भी आप देखो ना तो लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ में जो दाल है, ये दाल है चने की, और इसमें तीखी चटनी, मीठी चटनी, प्याज दी हुई है, ये कुछ अचार दिया हुआ है, नींबू और गाजर दिखाई दे रही है इसमें। ये चने की दाल है और ये ही यूज की जाती है पकवान के साथ में, और आप इसको देखो ना तो इसके दाने दाने दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये चटनी यूज की है, ये आई थिंक दिस इज आलू की सब्जी है, दिस इज आलू की सब्जी, ग्रीन चिलीज, ये पिकल ग्रीन चिलीज है। पकवान काफी थिक है बट वैसा कड़क नहीं है, जल्दी से टूट गया। और थोड़ी सी चने की दाल ले लूँगी, ये आलू की सब्ज़ी इसके साथ में देते हैं, ये भी डाल दूँगी। चटनी, पहले तीखी चटनी एंड देन द मीठी चटनी, थोड़ी सी प्याज भी डाल दूँगी इस पर। वाओ, इट्स सुपर अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी है पकवान, बहुत क्रिस्प है और एकदम खस्ता है, ठीक होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कड़क हो और तोड़ रहे हैं और टूट ही नहीं रहा हो। और जो दाल है, एक्चुअली ये प्लेन चने की दाल होती है, इसे सिर्फ बॉईल करते हैं, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले जाते हैं, बट इसको अलग से जो चटनीज का एकम्पनीमेंट दिया जाता है एंड आलू की सब्जी दी जाती है, प्लस ऊपर से तीखी चटनी हरी वाली एंड मीठी चटनी, थोड़ा सा प्याज, हरे धनिया वाली जो खुशबू आती है हरे धनिया की, उस वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही यमी लग रही है दाल पकवान। जो आलू की सब्जी है ना, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि दाल पकवान के साथ में रस्से वाली आलू की सब्जी सर्व की जाती हो, और अभी तक तो मैंने ये अचार और हरी मिर्च इसके साथ खाए भी नहीं है, एंड आई रियली डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत है। अगर वो खाएंगे तो इसका चटपटापन जो है और भी एनहांस हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो आई रेट दिस दाल पकवान एज 10/10, एंड नाउ आई रियली नो कि चेंबूर में ये विग रिफ्रेशमेंट्स इतना फेमस क्यों है। हमारे साथ है विग रिफ्रेशमेंट्स के ओनर श्री प्रवीण अरोरा जी। हेलो। हाय। तो आप बताएंगे कि ये विग रिफ्रेशमेंट्स कितना पुराना है? जी, ये तो 1951, क्योंकि पार्टीशन के बाद से ही है, मतलब हमारा हो गया, सिम पानीपुरी हो गया, जामा स्वीट्स हो गया, सत्तू स्वीट्स हो गया, ये सब कराची के ही लोग हैं। ओके। जो कराची में यही काम करते थे, तो बाय बोट हमको जब गेटवे ऑफ इंडिया उतारा, तो हमको ये एंड था ना, दैट इज कैंप, इधर मिलिट्री कैंप्स थे, तो हम लोग वहाँ से आए, तो हमको यहाँ पर सेटल किया, घर दिया, जो बैरक्स मिलिट्री वाले यूज़ करते थे वो बैरक्स हमको दी रहने के लिए, और ये सब दुकानें थी जो शेड्स थे पहले, ये हमको दिया काम करने के लिए, जो आप वहाँ पर काम करते थे वो यहाँ पर कीजिए और अपना लाइवलीहुड चलाइए। सर, नेक्स्ट मैंने लिया है ये सिंगल भटूरा विद छोले, छोले देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे और कलर इतना बढ़िया दिखाई दे रहा था, और ये भी बहुत ही फास्ट रनिंग है, काफ़ी सारे लोग मैंने यहाँ पे देखा,
छोले भटूरे एंड दाल पकवान, ये दो चीज़ें खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं जो मैं वापस आगे जाके पीने वाली हूँ। तो ये देखिए जो भटूरा है, काफ़ी फूला हुआ भटूरा है और इसका बनाने का प्रोसेस भी मैंने काफ़ी अलग देखा। तो जो शेफ़ हैं यहाँ पे वो भटूरे को, जो उसकी लोई होती है, इतना ज़ोर से पटकते हैं इसके ऊपर कि उसी में बेल जाता है। अदरवाइज़ यूजुअली ऐसे हाथ पे लेके बेला जाता है, वैसा वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं है और इतना अच्छा बेल जाता है उससे कि जैसे ही एकदम गरम गरम तेल में कढ़ाई में डालो तुरंत फूल के ऊपर आ जाता है। सो वेरी डिफरेंट यूनिक वे ऑफ मेकिंग दिस भटूरा, वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी हाउ द टेस्ट ऑफ दिस भटूरे इज। बहुत अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है भटूरा, अच्छा स्पॉन्जी दिखाई दे रहा है अगर आप अंदर से देखो तो। ये रहा धनिया से जो गार्निश किया है, उसकी वजह से लुक भी बहुत अच्छा आ गया है। और ये छोले देखेंगे ना तो ना ही ये पतले हैं और ना ही ये बहुत गाढ़े हैं। द कंसिस्टेंसी इज़ रियली गुड, लवली कलर और बहुत अच्छे से एक एक दाना छोले का पक गया है, गल चुका है। द छोले इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल भी मिर्च मसाला इसमें ज़्यादा नहीं है, येट टेस्टी। और जो भटूरे हैं इतने अच्छे से फ्राई किया, अगेन आई टेल यू, ज़रा भी ऑयल हाथ में ऐसे आ नहीं रहा है इसको खाते वक्त। और छोले भटूरे के साथ में भी ये प्याज अचार और हरी मिर्च इन्होंने दी हुई है। इसके साथ में मैंने ये एक और चीज़ दी है जो ये हाईली रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे खाने के लिए, एंड दिस इज़ कॉल्ड चुरचुर आलू पराठा। सो ये देखिए चुरचुर नान जैसे सुनते हैं हम, तंदूर में बनाया जाता है, तो इसे भी मैदे से बेल के थोड़ा सा थिक बेला जाता है और इसमें ये स्टफिंग की हुई है इन्होंने आलू की, दैट्स वाई द चुरचुर आलू पराठा। और अच्छे से इसको हाथों से ही रोल करके और तंदूर में लगाया जाता है, वहाँ पे सेका जाता है और जब बन जाता है तो इसको ब्रेक करके और ये हरे धनिया से गार्निश किया है, बहुत बढ़िया टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है। और ये जो पराठा है ये काफ़ी क्रिस्प दिखाई दे रहा है, बहुत ही बढ़िया सिखा है, अच्छा सा ब्राउन कलर है इसका। सो लेट्स ट्राई दिस। और इस चुरचुर आलू पराठे को भी छोले के साथ ही सर्व किया जाता है, बट मैं इसे ऐसे ही टेस्ट करने वाली हूँ टू नो द ओरिजिनल टेस्ट ऑफ दिस। सारी चीजें एक से बढ़कर एक है। अगेन दिस चुरचुर आलू पराठा, सबसे पहला जो स्वाद मुंह में हिट करता है, हल्का सा खट्टा वाला टेस्ट सबसे पहले हिट करेगा और चटपटा वाला बिल्कुल खा के ही मज़ा आ जाएगा ऐसा। थोड़ा सा और आलू के साथ में खा के देखती हूँ इसको। बहुत ही बढ़िया स्वाद है, बटर का स्वाद इसमें आ रहा है, बहुत अच्छे से दिल खोल के बटर डाला हुआ है एंड आई जस्ट लव बटर, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। आलू बहुत ही चटपटे हैं, जो इन्होंने इसमें पाउडर्ड स्पाइसेस डाले हुए हैं उसका अमेजिंग फ्लेवर है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, छोटे बच्चे भी खा सके, बूढ़े भी, हर कोई खा सके और हर कोई इसे इंजॉय करेगा ऐसा बनाया हुआ है। इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, चॉप की हुई हरी मिर्चें दिखाई दे रही है। सो अगर आप हरी मिर्च नहीं पसंद करते हो तो आप अलग से भी हटा सकते हो, मतलब अच्छा खासा साइज है मिर्च का, बट अगर आप पसंद करते हो तो आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा ये खा के, लवली। सो आई रियली कांट टेल यू कि इन सब चीज़ों में से क्या सबसे अच्छा है, सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक है। तो मैं ये फिनिश करती हूँ और फिर ट्राई करती हूँ लस्सी। जी ऐसा है कि हम लोग बनाते ही सात आठ आइटम है, दैट्स इट। पकवान है, दाल पकवान है विच इज लेयर्ड वन, छोले भटूरे हैं, पराठा है, डिफरेंट टाइप ऑफ पराठा है, पैटिस है, समोसा है, वेजिटेबल पुलाव है और छाछ और लस्सी है, दही है। So my favorite which I'm having right now is chhole bhature, that's the favorite one, and the next is dal pakwan, it's unmatched, so you can see I don't need even company, so this is my company here. Welcome. Pulao dekhne mein kafi badhiya lag raha tha isliye maine ise bhi order kar diya hai, halanki pet to kafi bhar chuka hai but main ise miss nahi karna chahti thi. लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इसमें यूज़ किया गया है, ये पनीर दिखाई दे रहा है इसमें फ्राई किया हुआ, अगेन दे सर्व दिस विद छोले। और ये यहाँ पे कुछ वेजीज भी दिखाई दे रहे हैं, बीन्स है, कैप्सिकम है एंड दिस इज फ्राइड कॉलीफ्लावर। वाओ खुशबू आ रही है चावल में, अमेजिंग, बहुत अच्छे से कुक्ड है चावल, वेजीज काफ़ी सारे डाले जैसे मैंने आपको दिखाया,
अगेन दिस इज सिंपल प्रिपरेशन बट यमी. जो सिंधी होम्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें जैसे बनाई जाती है ना, जैसे छोले थे, बहुत सिंपल थे, दाल थी, सिर्फ बॉइल थी, बट उसे जो साथ में चटनीज वगैरह डाली जाती हैं तो वो डाल के उसका फ्लेवर एनहांस किया जाता है. प्लस ये जो पुलाव है, अगेन दिस इज सिंपल बट ये इतना फ्लेवरफुल है, छोले के साथ में सर्व किया है, बट अगर आप उसके बिना भी खाओगे ना, इट इज़ सो डिलीशियस. जब आपका फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1951 में, तो उस वक्त आपके पास क्या क्या आइटम्स? उस वक्त हम खाली छोटी पूरी बेचते थे, आटे की पूरी होती थी, उसके अंदर उड़द की दाल का स्टफिंग होता था. अच्छा. और भट्टी नीचे तंदूर में थी, मतलब वो नीचे खोद के भट्टी बनाई हुई थी, क्योंकि वो टाइम तो ये सब गैस चूल्हा वूल्हा कुछ नहीं था, और लकड़ी पे चलता था वो. और उसके बाद में हम पालक का भजिया बेचते थे. ओके, तो अभी आज आपके पास वो जो छोटी पूरी जो है ना, वो कैसा है कि अभी जो वो टाइम के लोग हैं, समझो जैसे एज वाले लोग, वही लोग ज़्यादातर लेते हैं. अच्छा. ऐसा वही कस्टमर हमारे, लेकिन हम उनके लिए भले हम 7 प्लेट बेचते हैं, 10 प्लेट बेचते हैं जिनका, हाँ, लेकिन वो हम बनाते हैं एवरी डे. छोटा पूरी और बड़ा पूरी, छोटा पूरी है और बड़ा पूरी, जो बड़ी वाली पूरी आपने देखी थी वो बड़ा पूरी. और इसके साथ में क्या? इसके साथ में दाल, आलू की सब्जी आती है, दाल आती है और चटनी का अचार, मिर्ची, वही चने की दाल, वही चने की. तो मुझे जितनी भी चीज़ें मैंने आज खाई, तो आई रियली लव द दाल पकवान. जो चुरचुर आलू पराठा है, दैट वॉज सुपर्ब, एंड इवन द पुलाव इज अमेजिंग. तो ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, मस्ट ट्राई, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई माय लस्सी. मैंने दाल पकवान ट्राई किया है, आलू पराठा ट्राई किया है, छोले भटूरे ट्राई किया है, छाछ ट्राई किया है. छाछ यहाँ का बहुत अच्छा है, फेमस है. मतलब आपके पास ये 2-3 टाइप्स की लस्सी एंड छाछ है, तो मतलब क्या एग्जैक्टली? ऐसा है कि हम लोग उसको खारा डबल पानी बोलते हैं, डाइल्यूटेड होता है, छाछ के जैसा होता है, एक सेम मीठा डबल पानी होता है, दैट इज वो मीठा लस्सी होता है, डाइल्यूटेड होता है. मतलब जिस किसी को अगर थिक पसंद नहीं है, दैट इज खाने के बाद, तो थोड़ा डाइल्यूटेड रहता है, तो इजी, इट गोज इजी इनसाइड. अच्छा. उसके लिए ज्यादा हैवी नहीं, ज्यादा हैवी नहीं हो सके, तो उसके लिए. मैंने लस्सी मंगवा ली है, और यहाँ पे अलग अलग तरह की लस्सी है. ये वाली जो है ये स्वीट लस्सी है, थिक वाली, थोड़ी सी गाढ़ी वाली, और यहाँ पे मीठी वाली पतली लस्सी भी मिलती है, एंड देन छाछ भी मिलती है. सो लॉट्स ऑफ वैरायटीज, तो यू कैन चूज आपको जो पसंद हो. तो मैंने पहले गाढ़ी वाली ली है, और इसमें बढ़िया सी मलाई दिखाई दे रही है ऊपर. यम्मी, एकदम थिक मलाईदार लस्सी आप बोल सकते हो इसको. काफी गाढ़ी है इसकी जो कंसिस्टेंसी है. अच्छी खासी स्वीट है, नॉट ओवर एंड नॉट अंडर टू, जस्ट परफेक्ट. लव्ड इट. 4 दिन पहले तो हमारे यहाँ पर एक फूड ट्रेल हुआ था, सिंधी फूड ट्रेल हुआ था, तो उसमें संजीव कपूर सर हैं, वो आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर पराठा टेस्ट किया, छोले भटूरे खाए, उन्होंने मलाई खाई यहाँ की जो स्पेशल मलाई है, उसके बाद में उन्होंने लस्सी पी, छाछ पी, उन्होंने पकवान टेस्ट किया. उन्होंने वो पकवान फूड ट्रेल के लिए आए थे, कोई चैनल के थ्रू आए थे, लेकिन वो लंच फिर यहाँ पर करके गए. तो यहाँ पे ये नमकीन दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, और मैंने टेस्ट भी किए, दे आर रियली गुड. तो अगर आप चाहो तो इसे चाय के साथ खाने के लिए भी यहाँ से लेके जा सकते हो. ये है मट्टी, एंड दिस इज नमक. सो इट इज़ लाइक, जैसे महाराष्ट्र में कॉमनली शंकर पाली बोलते हैं, मीठी होती है, बट इट इज़ नॉट दैट. ये नमक पारा है और ये नमकीन है, जीरा का बढ़िया सा टेस्ट है, और इसमें भी जीरा डाला हुआ है. काफ़ी थिक है मट्टी, और ये होल ब्लैक पेपर इसमें डाली हुई है, जिसकी वजह से बहुत ही टेस्ट एनहांस हो गया है. प्राइस इज ₹100 फॉर 400 ग्राम्स. जहाँ पर भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ डू कम, यू आर अवर गेस्ट टू टेस्ट सिंधी फूड एंड पंजाबी फूड. छोले भटूरे टेस्ट कीजिए, पकवान टेस्ट कीजिए, पुलाव टेस्ट कीजिए, लस्सी टेस्ट कीजिए, एंड लेट अस गिव द प्लेजर टू सर्व यू गाइस. थैंक यू सो मच. आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा, सिंधी फूड्स को रिलिश किया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक पे क्लिक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको सिंधी फूड बहुत पसंद है. जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो.